वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कौन सी बुक के बारे में। आज हम बात बुक करने जा रहे हैं 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। तो ये बुक वन ऑफ द बेस्ट पीपल है। ये हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए और कैसे डेवलप करेंगे और कौन कौन सी हैबिट है जो ज्यादातर सक्सेसफुल लोगों के अंदर पाई जाती है। और आज डे 3 है 75 हार्ड चैलेंज का। हम तीसरी बुक एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारे हैं और इसको डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे। और इस बुक को आप जरूर पढ़ें। अगर आप पढ़ सकते हो डिटेल में सारी चीजें आपको मिलेंगी। बट इसको मैं वो ही चीजें इस बुक में मैं आपको बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में, वो मैं आपको बताऊंगा। और फिर उसके बाद हम उनको कैसे अपनी लाइफ में प्रॉपर डेली लाइफ में डेली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और स्टीफन आर कोवी की ये बुक है और 40 मिलियन से ज्यादा कॉपी इसकी सोल्ड हुई है। ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी, फर्स्ट डे की देखी, इफ यू आर नॉट फर्स्ट यू आर लॉस्ट, वन ऑफ द बेस्ट बुक। सेकंड डे पे हमने बुक एक्सप्लेन करी थी, थिंक एंड नहीं वो कौन सी बुक थी, हाँ वो बुक थी हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड पीपल। अब हम थर्ड बुक को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो है 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। शुरू करने से पहले मैं आपको एक बता दूं, व्हाट इज सक्सेस। हर एक बंदे के लिए सक्सेस अलग अलग है, उसके मायने में अलग अलग है। किसी को 20,000 रुपए कमाना बहुत बड़ी बात लगती है, किसी का लाख का टारगेट रहता है, किसी को पर्सनल वेल्थ करनी है, पर्सनल वेल्थ इकट्ठी करनी है, या फिर किसी को अपने रिश्ते है ना अच्छे बेटर करने हैं। तो हर एक बंदे के लिए अलग रहती है। कोबे पोस्टले कोबे कहते हैं कि दैट ट्रू सक्सेस इज मोर देन जस्ट अचीविंग वेल्थ और फेम। फेम और वेल्थ अचीव करने से वो अलग रहती है। इट नेसेसिटीज द पर्सनल ग्रोथ एंड फुलफिलमेंट। जो आपकी पर्सनल ग्रोथ है, जो आपकी सोचने की क्षमता है, थॉट प्रोसेस चेंज करना ही सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट है, सबसे बड़ी बात सक्सेस है। वो आपकी पर्सनल ग्रोथ में मैटर करती है, ठीक है। ही सपोर्ट द क्लेम दिस क्लेम बाय डिस्कसिंग ट्रेडिशनल सक्सेसफुल इंडिविजुअल हु स्ट्रगल विद पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड रिलेशनशिप हेल्थ एंड डिस्पाइट दैट मटेरियल वेल्थ एंड एक्सेट्रा, ठीक है। तो देखो, जहां तक जो ट्रेडिशनल सक्सेसफुल लोग रहते हैं ना, उनके पर्सनल इश्यूज रहते हैं, ठीक है। उन लोगों से इसे कन्वे नहीं कर पाते, उन कम्युनिकेशन स्किल्स रहती हैं, तो ये उन्होंने बताया है, ठीक है। तो पर्सनल ग्रोथ इज द अल्टीमेट सक्सेस फॉर यू। अपनी पर्सनल ग्रोथ पे फोकस करो तो आपको धीरे धीरे जो भी आपके टारगेट है, गोल्स है, वो ऑटोमेटिकली आप अचीव करोगे, ठीक है। पैराडिग्म्स आर मॉडल फॉर द परसेप्शन। हर एक बंदे का परसेप्शन अलग अलग रहता है। अंडरस्टैंडिंग द शेप हाउ वी व्यू एंड इंटरेक्ट विद दिस वर्ल्ड। हम किस तरीके से लोगों को से बात कर रहे हैं, हर एक बंदे का पॉइंट ऑफ व्यू अलग रहता है। हर एक बंदे का टोटल डिफरेंट रहता है। किसी को कुछ करना होता है जो आप आपके जीवन में कर रहे हो, वो दूसरा बंदा चाहता है कि मेरे पास इतनी सक्सेस है वो काफी है, ठीक है। जो आप जिंदगी जी रहे हो वो दूसरे के लिए वो सक्सेस है। और आप जो चाहते हो दूसरी करें, आप और अचीव करना चाहते हो, वो आप और कोई वो अचीव भी कर चुका होगा, उसको और जानना चाहिए। तो हर एक बंदे के लिए अलग अलग डिफरेंट रहता है सक्सेस का मतलब, ठीक है। रॉन्ग वर्ड में प्रिंसिपल। कोविड डिफाइंस प्रिंसिपल एज फंडामेंटल ट्रुथ दैट वी मस्ट लिव एंड इंटरलाइज टू अचीव पैशन। तो प्रिंसिपल सक्सेस के लिए अलग अलग तरीके हैं, कोवे बोलते हैं, ठीक है, हर एक बंदे के लिए। और ये एसेंशियल है फॉर पर्सनल ग्रोथ, फॉर पर्सनल इफेक्टिवनेस। और एक बड़ी चीज अचीव करने के लिए, इफ यू वांट टू अचीव अ ग्रेट थिंग इन योर लाइफ, यू मस्ट हैव अ प्रिंसिपल इन योर लाइफ। आपके जीवन में प्रिंसिपल होने चाहिए। बेसिकली जो कॉमन बातें हैं हमारे हिंदू धर्म में बहुत पहले से बताई जा रही हैं, बट वो भी इन्होंने ऐड किए हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके अंदर होंगी जो बेसिक चीजें, मैं वो आपको बताता हूँ। इंटीग्रिटी, आपके अंदर इंटीग्रिटी होनी चाहिए। सेकंड, करेज, हिम्मत तो होनी चाहिए। तो इफ यू डू नॉट हैव करेज देन यू आर नॉट नेवर गोइंग टू अचीव एनीथिंग। इफ यू डू नॉट डेयर टू अचीव योर ड्रीम, इफ यू डू नॉट डेयर टू वर्क फॉर योर गोल्स, आप कभी भी उन चीजों को नहीं कर पाओगे। इस बात को दिमाग में गांठ बांध लो, ठीक है। थर्ड, पेशेंस, सब्र। लोग सब्र, चाहे शेयर मार्केट का काम कर रहे हो, चाहे यूट्यूब पे आप वीडियोस अपलोड कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो आपके जीवन में, सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस। अरे पेशेंस, अगर वो आप मेहनत कर रहे हो और पेशेंस नहीं रख पाए ना, तो आप उस चीज में कभी भी सफल नहीं हो। देखो, एक आपने सुनी होगी, एक जो माँ के घर में बच्चा होता है, ठीक, उसको 9 महीने लगते हैं। और जल्दी जल्दी करेंगे तो वो कभी भी बच्चा सही स्थिति में नहीं होगा। और वो सही बच्चा तभी हो पाता है जब 9 महीने लगते हैं, ठीक है। 9 महीने के बाद ही एक साधारण नॉर्मल बच्चा पैदा होता है, ठीक है। आगे पीछे करने से कुछ नहीं हुआ, अगर उसमें जल्दी जल्दी भी क्या करोगे, ठीक है। तो वो पेशेंस का खेल है। तो आप जो मेहनत कर रहे हो वो आपको रिजल्ट लाएगी।
आज मैं मेहनत कर रहा हूँ कुछ भी चीज, ठीक है, तो आज से वो करीबन करीबन 1 साल 2 साल बाद भी रिजल्ट देगी, बट देगी जरूर, उस चीज को ध्यान रखें, ठीक है। फोर्थ परसिस्टेंट, लगातार मेहनत करते रहना, ठीक, परसिस्टेंट रहो, ह्यूमिलिटी, मानवता, ठीक है, एम्पथी, एम्पथी रहना चाहिए, सिनर्जी रहना चाहिए और कंटिन्यूअस लर्निंग, ठीक है, हाउ टू बी मोर प्रोडक्टिव, ठीक है। तो मोर प्रोडक्टिव के लिए एक प्रॉपर मैं आपको टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बुक लाऊंगा, उसमें डीपली एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अब हम कैरेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं और पर्सनल एथिक के बारे में बात कर लें। कोवी जो हमारे ऑथर हैं वो डिफाइन करते हैं कल्चरल शिफ्ट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सक्सेस और अराउंड 1920s, वेयर द फोकस शिफ्टेड टू द फंडामेंटल कैरेक्टर और स्किल्स प्रैक्टिस एंड बोस्टर पब्लिक इमेज। पब्लिक इमेज सबसे इंपॉर्टेंट था, ठीक है, और फंडामेंटल बेसिक क्लियर होने चाहिए उस टाइम पर, ठीक है। तो अब जो 21 सेंचुरी की अपनी जो चीज है वो अलग तरीके से है, कैरेक्टर एथिक सबसे इंपोर्टेंट, कैरेक्टर एथिक रहता था 1920 में, ठीक है। तो सबसे इंपोर्टेंट वो बताया जाता, जो मैंने आपको बेसिक चीज बताई, और वो आज भी इंपोर्टेंट है, ठीक है। पर्सनालिटी एथिक, आज आपकी देखो कैरेक्टर एथिक और पब्लिक पर्सनालिटी एथिक में बताता हूँ। कैरेक्टर एथिक में आपकी इंटेग्रिटी मस्त होनी चाहिए, ह्यूमिलिटी मतलब मानवता होनी चाहिए, करेज होना चाहिए काम करने के लिए, और कहते हैं पर्सनैलिटी एथिक में बता देता हूँ, पब्लिक इमेज आपकी बढ़िया रहना चाहिए, आपका एटीट्यूड और आपकी पर्सनैलिटी, ये तीनों चीजें मैटर करते हैं, ठीक है, पब्लिक इमेज के लिए, ठीक है, ठीक है। अब आगे बताते हैं हम इस बुक की जो मैं आपको हैबिट्स बताने वाला हूँ, इनको पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी 7 हैबिट पाई जाती है लोगों में, फिर मैं उनको आपको डीप में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट रहेंगे तो मैं उनको आपको खुद से बता दूंगा, ठीक है। वो बाकी जो हम बुक एक्सप्लेन करेंगे वो थोड़ी बड़ी बड़ी रहेंगी, बट इस बुक को मैं थोड़ा शॉर्ट क्यों रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये बुक तभी, अगर आप प्रॉपर तरीके से इस बुक को रीड करोगे ना, तब इस चीज को समझ पाओगे। और जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ ना, वो एक टाइप से मान लो इसका सार है इस बुक का, वो आप अगर बुक ना भी पढ़ो ना तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि मैं मोस्ट मोस्ट पॉइंट वही है, बट उनको डिटेल में एक्सप्लेन करा किया गया है बुक में, ठीक है। तो 7 हैबिट बताता हूँ आपको। पहली, बी प्रोएक्टिव, हमेशा प्रोएक्टिव रहो, चीजें आपके आसपास में क्या रहा है आप बेर रहो, आपके आसपास में सिचुएशन क्या रही है, आपको कोई रिएक्शन आ रहा तो उसका मतलब आपको कोई एक्शन हो रहा है आपके आसपास में, उसका आप रिएक्शन कैसे दे रहे हो, कोई आपने सवाल पूछ रहा है उसको प्रोएक्टिवली आप कैसे आंसर कर रहे हो, वो सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। और आजकल आप देखो जय शंकर को देखो, हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है, तो बाकी चीजों को आप देखोगे ना तो वो सारी चीजें आप धीरे धीरे करके देख पाओगे, जिसकी हर एक बंदा जो आज लाइफ में सक्सेसफुल है, जिसके इंटरव्यू आपको बढ़िया लगते हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी को देख लीजिए, ठीक है, जब वो डिबेट में रहते हैं वो प्रोएक्टिव रहते हैं, पहले सामने वाले की बात सुनते हैं और फिर उसको टोटली कैसे जवाब देना है, किसको कैसे शांत करना है, उस तरीके से प्रोएक्टिव रहना सीखो, ठीक है। बिगिन विद द एंड इन माइंड, आपके दिमाग में एंड लेके चलो एंड में, और फिर उसके बाद तैयारी चालू करो। थर्ड हैबिट, व्हाट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले सबसे इंपोर्टेंट क्या है उस चीज को फर्स्ट रखो, फिर उसके बाद बाकी चीजें देखेंगे। फोर्थ, थिंक विन विन सिचुएशन, देखो आप कभी आपके बिजनेस से रिलेटेड भी काम कर रहे हो या आप जो भी काम कर रहे हो उसमें विन विन सिचुएशन देखो, आपका खुद का फायदा हो और उसके साथ साथ आपके क्लाइंट कस्टमर का जो जो भी है उसका भी फायदा होना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ, कि सीक टू अंडरस्टैंड फर्स्ट देन टू बी अंडरस्टूड, पहले लोगों को समझना चालू करो फिर उनको समझाना चालू करो, ठीक है। सिक्स, सिनर्जाइज, अपनी जो एनर्जी है उसको सिनर्जाइज करते रहो, ठीक है। सेवन, शार्पन द सॉ, आपने एक वो कहानी सुनी होगी, दो लकड़ आ रहे थे जंगल में गए पेड़ काटने के लिए, एक गुरु के शिष्य थे, ठीक है, लकड़ा ने एक एक कहानी है वो गुरु के शिष्यों की, दो गुरु बोलता है दोनों शिष्य से कि जंगल में जाओ और पेड़ काट के लाना है आपको, ठीक है, एक पेड़ काट के लाना है उसको जो भी करना हो, ठीक है। तो दोनों शिष्य जाते हैं, ठीक है, तो एक शिष्य रहता है ना वो 10 घंटे लगाता है पेड़ काटने में, और दूसरा जो शिष्य था वो अपनी जो कुल्हाड़ी थी उसको शार्प करता है, ठीक है, 3 घंटे वो अपनी, चार ऐसे कुछ भी खाने में ऐसा होगा, 4 से 5 घंटे वो कुल्हाड़ी को शार्प करता है, 1 घंटे में पेड़ काट को ले जाता है पेड़ काट के, और उसको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। तो अपने अपने आप को शार्प करो, आपकी जो भी स्किल्स है उनको शार्प करते रहो, उस तरीके से अगर आप काम करो ना तो कम समय में ज्यादा काम कर पाओगे। आपकी जो भी स्किल्स हैं, देखो हाई पेइंग स्किल्स कौन सी रहती है, देखो अगर आपकी अंदर एक कोई स्किल है आपने उसको मास्टर कर लिया और उसमें आपकी स्किल शार्प हो गई बिल्कुल, तो आप सेम चीज के लिए आप 5,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं ना, उसके लिए 50,000 चार्ज कर सकते हो। जब मैं डिजिटल मार्केटिंग करता था, एक मैं
आई वॉज डूइंग आई इंटर्नशिप विद अ पर्टिकुलर गर्ल हु वॉज हैंडलिंग मैनी क्लाइंट, ठीक है, एक गर्ल थी कनिष्का ठाकुर, अगर आप जानते हो तो, नहीं जानते कोई दिक्कत नहीं, मैं उनके साथ काम करता था, ठीक है। तो ये मेरी बात है जब मैं 12th के बाद, शायद 2020 की बात है, 2020 के एंड की, ठीक है, तब मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो मैंने मेरा काम स्टार्ट किया था उनके साथ, तो मैंने देखा मैं सेम चीज के 5,000 रुपये चार्ज कर रहा था, और जहीं भाई मैंने ये देखा कि उनकी स्किल्स इतनी बेटर थी, वो उन चीजों को मास्टर कर रही थी, पर्टिकुलर पर्सन उनके 8 से 10 एम्प्लॉय भी थे और बहुत सारे इंटर्न्स भी थे, 7 से 8 इंटर्न्स थे, उनमें से मैं एक था, ठीक है। तो मैं क्यों रुपए ज्यादा चार्ज नहीं कर पा रहा था, उसके पीछे मेरे कारण पता चला, क्योंकि मेरी जो स्किल्स थी वो उस लेवल की नहीं थी, ठीक है। मेरी कन्वेंस स्किल, कम्युनिकेशन स्किल्स, मेरे जो डिजाइनिंग करता, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग करता था, और जो मैं वेबसाइट वगैरह बनाता, मैं उस लेवल की नहीं बना पाता था, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंट भी नहीं था। तो उस टाइम पे मैं जो 5,000 रुपये चार्ज कर रहा था सेम काम के लिए, वो बड़े बड़े क्लाइंट से 50-50 हज़ार रुपये चार्ज करते थे। तो ये डिफरेंस मुझको दिखा, तो उस पर मैंने वर्क किया, और फिर उसके बाद मात्र मैंने 3 महीने उनके साथ इंटर्नशिप करी थी, और 3 महीने के बाद जो मैं 5,000 रुपये चार्ज करता था सेम उसके रिगार्डिंग 15 से 20 हज़ार रुपये चार्ज करना चालू कर दिया था मात्र 3 महीने के बाद। ये डिफरेंस रहता है, अगर आप अपने आप पे वर्क करोगे, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करोगे ना, तो प्रॉपर आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। अब जो जो मैंने आपको बता दी पहले, आप ये हैबिट्स को मैंने ऊपर ऊपर बता दिया, अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, फिर उसके बाद अपन खत्म करते हैं, ठीक है। बी प्रोएक्टिव, द टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ एंड एक्शन, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल रादर देन व्हाट यू कांट। तो आपके जीवन में जो आप कंट्रोल कर सकते हो, जो जिस जिस चीज को आपके जीवन में आप चेंज कर सकते हो, उस पर फोकस करना चालू करो, क्योंकि जब आप उस पर फोकस करोगे ना, तो आप उन चीजों को कंट्रोल भी कर लोगे, और उन चीजों पे अगर आप वर्क करोगे जिन पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। सूरज का उगना कंट्रोल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। सूरज जब आता है, राइज होता है, सन जब राइज होता है और डूबता है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, बट उसके समय में जो 24 घंटे में आपके पास समय है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। आप किस तरीके से जी सकते हो, आप किस तरीके से आपके हैबिट्स प्लान कर सकते हो, किस तरीके से आप समय व्यतीत कर रहे हो, उस तरीके से आप सारी चीजें डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। सेकंड, बिगिन विद द एंड इन माइंड, ठीक है। डिफाइन योर गोल्स एंड पर्पस इन लाइफ, ठीक है। आप जी देखो, हर बंदे के लिए चीजें डिफरेंस रहती हैं, हर बंदे के लिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, ठीक है। बट आपके जो भी पर्टिकुलर थिंग आप चाहते हो, अगले 3 महीने में आप आपकी लाइफ से क्या चाहते हो, पहले आप ये क्लियर करो, अगले 5 साल में आप क्या अचीव करना चाहते हो। एक बार सोच लिया कि अगले 5 साल में मेरा ये टारगेट है, फिर उसको चंक में डिवाइड करो, छोटे छोटे टुकड़ों में, 1 साल 2 साल 3 साल 5 पार्ट बना दिए। अब एक इस साल का एक साल है, अब जो अगली एक साल आने वाली है उसमें आप क्या करने वाले हो, उसको 3 4 क्वार्टर में डिवाइड कर दो, ठीक है। 4 क्वार्टर में 3 महीने में ये करूंगा, फिर 3 महीने में ये करूंगा, फिर 3 महीने में ये करूंगा, और फिर 3 चौथे महीने में, चौथे क्वार्टर में मैं ये करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम करोगे ना, तो आप जो बड़ा गोल है ना, उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दोगे ना, तब आप कर पाओगे। जैसे हम रोटी खाते हैं, ठीक है, खाना खाते हैं ना, तो रोटी को एक साथ थोड़ी खाते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा टुकड़े में खाते हैं, तो वो हम उस रोटी को तब पूरा खा पाते हैं, और अगर हम एक साथ पूरा रोटी खाने की कोशिश करें, तो हम उस रोटी को नहीं खा पाएंगे। और सेम विद गोल्स, अगर आपके जो भी गोल्स हैं और उनको आप एक साथ अचीव करने की कोशिश करोगे, तो नहीं कर पाओगे, और उनको टुकड़ों में, छोटे छोटे चंक में डिवाइड करोगे, और फिर उनको अचीव करने के लिए तैयारी करोगे ना, फिर उसको कर पाओगे, ठीक है। अगला पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा, और उसके बाद आपको कहते हैं डिसाइड करना, आपके जो भी डिसीजन है, सबसे जैसे आपने आपका गोल डिसाइड कर लिया, टीम में डिवाइड कर दिया, ठीक है, बाकी चीजें जो भी आपने पार्ट में डिवाइड कर दिया कि इतने पार्ट में ये अचीव करना है, इस साल का ये टारगेट है और ये करना है, ठीक है। अब आपको प्रायोरिटाइज करना है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपके गोल्स के लिए, तो बेसिक इक्विपमेंट रहते हैं, बेसिक रिसोर्सेज रहते हैं, वो गैदर करना चालू करो, और धीरे धीरे करके आगे बढ़ना चालू करो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसको पहले करो, ठीक है, जो मैंने बोला था अभी। अब जिस थिंग्स यहाँ पे भी आ गई, पुट थिंग फर्स्ट फर्स्ट, फुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ठीक है। प्रायोरिटाइज योर टाइम एंड एनर्जी अराउंड द एसेंशियल थिंग्स इन योर लाइफ एंड लर्न टू से नो टू लेस इंपोर्टेंट थिंग। देखो ये सबसे इंपोर्टेंट बात है, ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में ये कर ही नहीं पाते जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनो, कि ज्यादातर लोग नो नहीं बोल पाते दूसरों के लिए। भाई 500 रुपये डाल दे, हाँ भाई डालना हूँ, किसी से लेके डालना हूँ, तो इस तरीके से रहते हैं। तो अगर जिस चीज आपके पास, जो चीज अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास समय नहीं है और आप दूसरे को समय दे रहे हो, अगर आपके लिए, आपके गोल्स के लिए समय नहीं है और दूसरों को समय दे रहे हो ना, तो आप आपके गोल्स को अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर आप इस तरीके से आप धीरे धीरे करना चालू करो, अगर नो नो कहना नहीं सीखे आप,
तो आप बहुत समय भी बर्बाद करोगे, उसके साथ साथ पैसे भी बर्बाद करोगे। अगर आपको लगे जो कम इम्पोर्टेंट चीज है उसको नो बोल सकते हो तो बोलो, और जो सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी जीवन में थिंग है उसको करना चालू करो। ठीक है, अब अगली चीज पाते हैं अपन, फुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट तो हमने बोल दिया। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में उसको सबसे पहले करो। ठीक है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपकी लाइफ में उसको सबसे पहले करो, फिर उसके बाद बाकी चीजों को करो। ठीक है, थिंक विन विन सिचुएशन, सीक म्यूचुअल बेनिफिट इन इट ऑल, इन ऑल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप, एंड लुक फॉर द सॉल्यूशन बेनिफिट ऑफ ऑल पार्टीज इन्वॉल्व। तो अगर आप कोई काम कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई आप कस्टमर के साथ भी डील कर रहे हो, किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपका बिजनेस भी कर रहे हो, तो ऐसा विन विन सिचुएशन क्रिएट करो, सामने वाले का भी फायदा हो और आपका भी फायदा हो। तो आपकी जो भी पार्टनरशिप है, जो भी आपका रिलेशनशिप है, या फिर आपकी जॉब है, तो तभी आप प्रॉपर तरीके से मेंटली भी सेटिस्फाइड रहोगे और लॉन्ग टर्म के लिए तैयार भी रहोगे। ठीक है, अगला आते हैं, ये हो गया सिनर्जाइज, हो गया मैंने आपको बोला सिनर्जाइज से रिलेटेड तो आपको बता देता हूँ। हाँ, उससे पहले अपनी आ गई एक हैबिट, फिफ्थ हैबिट रहे, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टैंड, लिसन एम्पैथेटिकली एंड अंडरस्टैंड अदर पीपल पर्सपेक्टिव बिफोर एक्सप्रेसिंग योर। तो अपनी बात सुनाने से पहले आपकी बात सुनाओगे, चाहे आगे सुना लो चाहे पीछे सुना लो, ठीक है, बट आगे आप दूसरों की बातों को सुनोगे समझोगे तो आप उनको और आप जो बात कहना चाहते हो उसको और बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे और रिप्रेजेंट कर पाओगे, और वो दोनों तरीके से आप अच्छे से समझा पाओगे कि आपके साथ काम करने में या फिर आपकी बात सुनने में सामने वाले का क्या फायदा है। तो ठीक है, सिनर्जाइज, वर्क कोलेबरेटिवली विद अदर्स टू अचीव गोल एंड क्रिएट आउटकम मोर सिग्निफिकेंट देन एनी इंडिविजुअल कुड अचीव अलोन। ठीक है, अब देखो जहां भी मैं बात कर रहा हूँ, आपका जो 5 साल का टारगेट है आप उसको 3 साल में भी कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो, ठीक है, उस 3 साल में कैसे कर सकते हो कि आप सिनर्जाइज, आप लोगों को हायर कर रहे हो, आपका वर्क काम है ना उसको दूसरों को सौंप रहे हो, वो दूसरा छोटा, देखो हर काम जरूरी नहीं है कि हर काम आप आपके बिजनेस में खुद करो, दूसरे भी रहेंगे। अगर आप जैसे कि आप डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हो, अगर आपके पास समय नहीं, अगर आपको क्लाइंट लाना आता है, ठीक है, तो वेबसाइट बनाने वाला बंदा अलग रख सकते हो, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए अलग रख सकते हो, ठीक है, और SEO के लिए अलग रख सकते हो, और यूट्यूब वीडियो एडिटिंग के लिए अलग रख सकते हो। तो वो 4 लोग आपके पास आ गए, अब आपका क्या काम है, अब आपका काम है कस्टमर से बात करना, कस्टमर लाना और वो काम करना। ठीक है, और अगर इतना काम कर लिया आपने तो फिर सेल्स के लिए भी लोग रन कर सकते हो, और आपने सेल्स के लिए लोग रखे वो आपको क्लाइंट ला के देंगे, तो आपका एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। और प्रॉपर तरीके से लोगों के साथ काम करोगे ना तो आप आपके गोल्स को जल्दी अचीव कर पाओगे। ठीक है, एम्प्लॉय रख कर काम करोगे, ठीक है, उस तरीके से आप जल्दी काम कर सकते हो। और अगर आप खुद ही सोचो कि आप ही को वीडियो एडिटिंग करनी है, आप ही को वेबसाइट बनानी है, आप ही को ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, आप ही को SEO करना है, ठीक है, सारे काम आप करोगे, आप ही को सेल्स करनी है, आप ही को कस्टमर से बात करनी है, तो ये सारी चीजें करोगे ना तो आप उस लेवल पे आप वर्क नहीं कर पाओगे, उस लेवल पे पैसे नहीं कमा पाओगे, उस लेवल पे आपके बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं कर पाओगे जब तक आप दूसरों के साथ रहकर कर सकते हो। और जो 5 साल लग रहे हैं ना आपको 10 साल भी लग सकते हैं। तो इस तरीके से सिनर्जाइज का मतलब है, शार्पन द सो, टेक टाइम टू रिन्यू एंड इम्प्रूव योर सेल्फ फिजिकली मेंटली इमोशनली एंड स्पिरिचुअली एंड कंटिन्यू सक्सेस। ठीक है, अपने आप को तैयार रखो, ठीक है, शार्पन करो, आपको इमोशनली फिट बनाओ, आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाओ, इंप्रूव करते रहो पर्सनल ग्रोथ के लिए, आपको अचीवमेंट करते रहो, कुछ ना कुछ नया सीखते रहो, बुक पढ़ते रहो, वीडियोस देखते रहो, तो उस तरीके से आप आपको शार्प करोगे ना तो ऑटोमेटिकली चीजें बेटर होती चली जाएंगी। ठीक है, और देखो 1 मिनट में और देख लेता हूँ और कुछ इंपोर्टेंट हो तो, ये सारी चीजें हैं। एक कोट और इसका बढ़िया लगा मेरे को, स्टीफन कोवे का, द चैलेंज इज नॉट टू मैनेज टाइम बट टू मैनेज आवर सेल्फ। टाइम नहीं कि आपको टाइम को मैनेज करना है, आप थोड़ी टाइम को मैनेज कर पाओगे, 4 बज रहे हैं तो 4 ही बजेंगे, आप उनको 5 नहीं बजा सकते, बट उसके अलावा देखो अब 4 बज रहे हैं, आप अगले घंटे में मुझको क्या करना है, 5 बजने तक मेरे को क्या करना चाहिए, तो वो सारी चीज आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो, टाइम को मैनेज नहीं कर सकते। टाइम मैनेजमेंट इज अ मिथ, आप सेल्फ मैनेजमेंट इज द की। ठीक है, अगर आप खुद को मैनेजमेंट करना सीख गए तो आपको और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, अनादर क्वाइट, ठीक है, द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट ऑन योर शेड्यूल बट टू शेड्यूलाइज शेड्यूल योर प्रायोरिटीज। आपको दिन में 10 काम करना है, ठीक है, 10 काम इम्पोर्टेंट है, बात मान ली मैंने आपकी, मान मान ली आपको 10 काम करना है और 10 ही इम्पोर्टेंट है। आप इसमें ऐसा तो नहीं हो कि सारे 10 इमरजेंसी अर्जेंट वाले इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं होगा ना।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो सबसे इंपोर्टेंट है, जो मतलब उसके बिना काम नहीं चल सकता, पहले उसको सबसे पहले लिस्ट में रखना है, पर सेकंड नंबर पे उससे कम इंपोर्टेंट, फिर उससे कम इंपोर्टेंट, फिर उससे कम इंपोर्टेंट, और लास्ट के तीन चार जो काम भी बचे ना, अगर आप दूसरों से करवा सकते हो तो वो भी करवा लो। ठीक है, अगर आपको ग्रोसरी लाना है तो आप स्विगी पे से ऑर्डर कर दो। ठीक है, और बाकी चीजें हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग चीजें मैनेज कर सकते हो। और कुछ है क्या? हाँ, लगभग की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे खत्म होती है, बट एक और है। द की टू वैल्यूइंग डिफरेंस इज टू रियलाइज दैट ऑल पीपल सी द वर्ल्ड नॉट एज इट इज एज बट एज दे आर। तो वो लोग जिस तरीके से दुनिया देखते हैं, जो दुनिया है उसको उस तरीके से नहीं देखते जिस तरीके की दुनिया है, बट वो उस तरीके से देखते हैं जिस तरीके के वो हैं। तो अगर आप इसको समझ पाए, बहुत डीप बात है, एक बार और रिपीट की कर देता हूं मैं। लोग दुनिया को उस तरीके से देखते हैं जिस तरीके के वो होते हैं, ना कि दुनिया जैसी है वैसी तरीके से। तो इस चीज को आप समझो और अप्लाई करो। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बट उससे पहले एक और कॉर्ड बोल देता हूँ मैं। द मोर वी सी पीपल इन टर्म्स ऑफ देयर अनसीन पोटेंशियल, द मोर वी कैन सी आर इमेजिनेशन रेदर देन आर मेमोरी। ठीक है, और आप किसी बंदे का पोटेंशियल नहीं देख सकते, और आप उसका काम नहीं देख रहे हो, और आप उसको नोटिस नहीं कर रहे हो, तो आप उसका भविष्य को, आप आपके दिमाग में जो उसकी मेमोरी है, आपके दिमाग में जो उसकी उससे रिलेटेड मेमोरी है, तो आप उसके बेसिस पर रिजल्ट प्रोड्यूस करोगे। तो जितने लोगों को जानोगे उतने तरीके से अच्छे से आप काम कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपसे मैं बोलूंगा, आपने जो वीडियो नहीं देखी वो देखिए, और आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।